नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। यह सजा उन्हें देशद्रोह के मामले में सुनाई गई, लेकिन अब पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के आदेशों की जो प्रति बाहर आई है, उसमें अदालत ने साफ कहा है कि परवेज मुशर्रफ जिंदा है या मुर्दा, उन्हें पाकिस्तान लाया जाए। अदालत ने साथ में यह भी कहा है कि उनके शव को पाकिस्तान लाकर खंबे पर टांगा जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को पेशावर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उन पर साल 2007 में देश में आपातकाल और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 के दिन देशद्रोह के मामले में दोषी पाया गया है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुखिया मुशर्रफ बीमार बताए जाते हैं। उनकी पार्टी और उनके परिजनों का दावा है कि बीमार मुशर्रफ दुबई में अपना इलाज करा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दुबई के एक अमेरिकी अस्पताल में भर्ती मुशर्रफ हार्ट और ब्लड प्रेशर का इलाज करा रहे हैं। 18 मार्च 2016 को पाकिस्तान से दुबई गए मुशर्रफ ने दावा किया था कि वह जरूर लौटेंगे, लेकिन बाद में गिरफ्तारी के डर से वह अपने वतन नहीं लौटे। साल 2018 में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक स्पेशल कोर्ट के आदेश के तहत मुशर्रफ का पहचान पत्र और पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है, जो दंडनीय अपराध है, और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। अदालत के 2 जस्टिसों ने मौत की सजा सुनाई, जबकि 1 अन्य जस्टिस की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटे में सुनाए जाएंगे। विशेष अदालत में जस्टिस सेठ सिंह, हाईकोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम शामिल है। अदालत ने 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष अदालत का यह आदेश इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पूर्व के एक आदेश के बावजूद आया है। इसमें उसे फैसला देने से रोका गया था। पाकिस्तान में देशद्रोह मामले में विशेष अदालत से मृत्युदंड की सजा पाए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला उनके व्यक्तिगत बदला लेने के लिए लिया गया है। उन्होंने अपने खिलाफ दिए गए फैसले को टीवी पर सुना। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे मामले का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां प्रतिवादी या उसके वकील को अपनी दलीलें पेश करने तक का मौका नहीं दिया गया हो। मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने अपना बयान एक विशेष आयोग को देने का प्रस्ताव दिया था, अगर वह दुबई आने पर राजी हो। पूर्व सैन्य तानाशाह यहां अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आग्रह को हालांकि नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय को संदिग्ध कहूंगा, क्योंकि मामले की सुनवाई में शुरुआत से अंत तक कानून का पालन नहीं किया गया। पहले सुनिए इस मामले में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने फोन पर मीडिया को क्या कहा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें जो बाइचपन नजर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट गई थी कि परवेज मुशर्रफ अकेले नहीं थे। अगर परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाना था तो 99 में जो कू हुआ था उसके ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन ये केस बनाया गया 2007 की एमरजेंसी को लेकर, जिस समय परवेज मुशर्रफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने एमरजेंसी जो लगाई थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज की रिक्वेस्ट पर लगाई थी, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल हमीद डोगर वो भी इसमें साथ शामिल थे, और लॉ लेकिन खाली सिर्फ परवेज मुशर्रफ को पिनपॉइंट करके उनको टारगेट किया गया। और उसके हवाले से यही बात पाकिस्तान में उठ रही है कि जो फैसला है, ये जजमेंट परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिया गया, वो बहुत जल्दी में दिया गया, और इसमें साफ लग रहा है कि ये कोई बाइस जजमेंट है जिसको जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया, इसके ऊपर तहफात, इसके ऊपर कंसर्न शो किया गया, बल्कि पाकिस्तान में कल प्रोटेस्ट भी हुए हैं बड़े। देखिए उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की थी ना, उसमें उन्होंने कंसर्न शो किए थे, साथ उन्होंने एक बिल्कुल डिटेल से कह दिया था कि परवेज मुशर्रफ किसी सूरत पर भी गद्दार नहीं हो सकते। तो ये उसके ऊपर उनको एतराज उनकी तरफ से जताया गया था पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की तरफ से, आर्मी चीफ की सदारत में जो इजलास हुआ था। साथ अब लीगल पहलू की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सरकार है इमरान खान की, वो इस सिलसिला में अपील की तैयारी तो कर रही है, परवेज मुशर्रफ के वकील भी अपील तैयारी कर रहे हैं। रात को आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ का अपना स्टेटमेंट भी आ गया,
वो बिस्तर पर थे, हॉस्पिटल में एडमिट है दुबई के, तो वहां से उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे और ये वन साइड जजमेंट है और उन्होंने खुद कह दिया कि ये बाइस जजमेंट है। तो जब एक जो कन्विक्ट बंदा है वो भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं और यहाँ पे लॉ एक्सपर्ट्स भी, जैसा कि आपने भी कहा कि जजमेंट को पढ़ के लगता है कि ऐसा है कि जैसे पर्सनल गुस्सा निकाला गया, जाति गुस्सा निकाला गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ओपिनियन बन रहा है वो भी यही है कि बिल्कुल आपको सजा देनी चाहिए थी मुशर्रफ को, तो बिल्कुल जरूर देते। सूरत में उन्होंने बहुत से ऐसे एक्सेप्ट किए हैं उसमें देते, लेकिन जो उनके साथ लोग थे उनको भी इन्वॉल्व करते ताकि फेयर ट्रायल का मौका मिलता। आपने सुना कि पत्रकार ने किस तरह से पाकिस्तान में हुए ताजा घटनाक्रम की कैसे जानकारी दी। अब आपको कुछ और बातें भी बता दी जो आपको जाननी जरूरी है कि मुशर्रफ के पास कितनी अकूत संपत्ति है। आपको बता दें कि मुशर्रफ इन दिनों दुबई में अपना इलाज करा रहा है। वो लंबी चौड़ी संपत्ति के मालिक है जो देश से लेकर विदेश तक फैली हुई है। कई बैंकों में उनके अकाउंट हैं। इसके अलावा उन्होंने 1 से 2 ट्रस्ट भी बना रखे हैं। पाकिस्तान की अदालत ने कुछ समय पहले उनकी सारी संपत्ति जब्त करने और बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में उनकी बेगम साहिबा की अदालत में अपील के बाद बैंक अकाउंट पर रोक हटा ली गई थी। पाकिस्तान की स्पेशल एंटी टूरिज्म कोर्ट ने पिछले दिनों द फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पूर्व सैन्य शासक की संपत्ति का पता लगाकर उसकी सूची देने को कहा था। FIA ने इसका पता लगाकर पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि मुशर्रफ कितनी संपत्ति के मालिक है। ये एजेंसी जो सूची अदालत में वो जाहिर करती है कि मुशर्रफ काफी बड़ी संपत्ति के मालिक है। इसके अनुसार मुशर्रफ की पाकिस्तान में 8 संपत्तियां हैं। इसमें कराची में 50 लाख रुपए की कीमत का मकान, खाइबान ए फैजल फेज 8 में 15 लाख रुपए का प्लाट, कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 1 प्लाट, हाउसिंग अथॉरिटी फेज 2 इस्लामाबाद में 7.5 करोड़ रुपए का प्लाट, लाहौर में 60 करोड़ रुपए का प्लाट और इस्लामाबाद में चौक शहजाद में 60 लाख रुपए की कीमत का फॉर्म हाउस है। इसके अलावा मुशर्रफ के पास लंदन में एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ है। मुशर्रफ पिछले दिनों इस फ्लैट को बेचना चाहते थे। लंदन के इस फ्लैट को उन्होंने 2009 में 13 लाख पाउंड नगद देकर खरीदा था। ये भी कहा जाता है कि उनके पास एक बंगला दुबई में भी है। पिछले दिनों उनकी पत्नी साहिबा ने अदालत को इस्लामाबाद के बड़े बंगले की भी जानकारी दी थी। उन्होंने अदालत को बताया था कि ये बंगला उनके नाम का है, इसे उनके पति ने उन्हें गिफ्ट में दिया है। इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी भी दी कि किस तरह मुशर्रफ परिवार का 1 या 2 ट्रस्ट चलाता है जो मूल तौर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए है। FIN ने अदालत को मुशर्रफ के जिन बैंक अकाउंट्स की सूची सौंपी है उनके अनुसार उनके करीब आधा दर्जन बैंक खाते हैं जो पाकिस्तान और लंदन में है। जिन बैंक अकाउंट्स में उनके पैसे हैं उनके नाम इस तरह से है: अक्सरी बैंक रावलपिंडी, NVPP रावलपिंडी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक पिंडी, बैंक अल्फाला ब्लू एरिया इस्लामाबाद, अक्सरी बैंक GSHO ब्रांच रावलपिंडी, NBP सुपर मार्केट इस्लामाबाद, यूनियन नेशनल बैंक सुपर मार्केट और HSBC लंदन। उनके विदेशी बैंकों में करीब 2 करोड़ डॉलर और देसी बैंकों में 12.5 लाख रुपए हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।